लगता देखा तमाम भाइयों बहनों डॉक्टर स्वाति कुमार मस्कर भाइयों बहनों हम लोकसभा क्षेत्र बाला के अंदर खड़े हैं। यहाँ पर मनीष जी, मनीष जी यहाँ पर क्या पर्ची लगी इलेक्शन का, जो पीक टाइम है पीक समय पर इलेक्शन चल रहा है, ये क्या क्या लग रहा है आपको, क्या फील लग रही है? वोट देना मतलब राष्ट्र के लिए अपनी ड्यूटी का निर्वाह करना, हम अपनी ड्यूटी जो है वोट देना समझते हैं और चाहते हैं कि भी हर भारत का नागरिक वोट दे, अपने मताधिकार का प्रयोग करे और एक अच्छी सरकार बनाए। यहाँ पर क्या पिछले लग रही है आपको? कांग्रेस की है पक्का नहीं है, छोले भटूरे पूरे ही मशहूर है यहाँ पर अम्बाला के अंदर। क्या नाम है आपका? अमित कश्यप। अमित कश्यप आगे आइए जरा। अमित कश्यप की क्या लगता है आपको यहाँ पर? बीजेपी नहीं आएगा जी। कौन सा जी, कैसे माहौल लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पर सरकार बीजेपी की, यहाँ पर कांग्रेस का कोई भी नया सफाया हो गया है, वो बीजेपी की सरकार 15% आई। चलो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर काम के पास यहाँ पर लोग खड़े, इनसे पूछते हैं कि क्या रिपोर्ट है यहाँ पर। यहाँ पर क्या माहौल लग रहा है? आपके दुकान पर बहुत लोग आते होंगे ये पीने के लिए लेमन, ये लोग क्या कह रहे हैं, किसका कितना वहाँ पर लेना है, किसकी लहर है यहाँ पर? मोदी की लहर है। मोदी की लहर है। अच्छा, इन्होंने तो कह दिया मोदी की लहर। अब हम इनसे पूछते हैं क्या नाम है बेटा आपका? सर हमारा गौरव अग्रवाल। गौरव अग्रवाल जी कहाँ का? सर मैं यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर क्या माहौल लग रहा है आपको? बोल तो सर सबको पता, ओनली मोदी। मोदी ही क्यों? मोदी सर जो काम किया दिख रहा है, ये देखिए जो टाइलें लगी हैं सड़क पे, आज से पहले क्या था, ये लाइटें लगी हुई है चौक, ये जो चौक पे ग्रिल लगी है आज से पहले। इकबाल ढांडा जी, इकबाल ढांडा जी से विचार सुनते हैं। इकबाल ढांडा जी क्या लग रहा है इलेक्शन पीक पर पहुंचा हुआ यहाँ पर? सर कोई चैलेंज ही नहीं है मोदी जी, महागठबंधन बनाकर लोगों को पूरा बना के क्या मिलेगा? आगे देखिए 70 साल से जो कुछ भी हुआ है, हुआ क्या, करोड़ों रुपए अरबों रुपए देश के लिए आए हैं पर लगे कहाँ हैं, हमें तो नजर नहीं है। अगर वाकई 70 साल में कुछ लगा होता तो यहाँ की सड़कें लाइटें और शहर वर्ल्ड क्लास होती। आप ये देखिए इतने शहर जो डेवलप हुए हैं, पर क्या आज तक क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? बीजेपी आएगी वोट डालना के लिए वैसे ही कह रहे हो? वाह चेतन जी ने प्रूफ ही दे दिया कि बीजेपी आएगी। देखिए और हमारे बीच में ये भाई साहब खड़े हैं, बहुत स्मार्ट है, सुंदर भी है, आइए। हाँ क्या नाम है बेटे आपका? आयुष जैन। तो ये जैन साहब यहाँ पर क्या माहौल है? बीजेपी मोदी सरकार।